अपने अपन जनरल टॉक्स कर रहे थे, क्या कर रहे थे? जनरल टॉक्स। हाँ, तो जो जनरल टॉक्स थी, जनरल टॉक्स के अंदर मैंने तुम्हें ये वाली बात बताई थी कि जो बैटरी होती है वो क्या मेंटेन करती है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। मैं उस कहानी को दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सब लोग देख लो, चलो जल्दी से बता दो। ये एक्स, ये दस, तो ये कितना, अगर मान लें यहाँ पर 2 वोल्ट लिखा हुआ है तो एक्स कितना रहा होगा, सोच के बोलना। 8 श्योर हो? फिर से सोच ले, गलत नहीं होना चाहिए। -8 के +8, देख 2 आंसर आ रहे हैं इसी में। बैटरी मेंटेन्स व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं, तो क्या होगा? पक्का हायर पोटेंशियल क्या ये है, इसमें से एक हटा दूं, मतलब क्या हो गया 2 - x = 10। क्या लिखूंगा बोल, x = -8 वोल्ट। बोलो दिखा के नहीं, ये अपन ने किए थे ना कल, तुम भूल गए, याद है कुछ कुछ? अच्छा चल ये बता, हवा में बता दो, क्या बोलूंगा, 2 - x या x - 2? तो मैंने क्या लिखा, 2 - x = यहां से x कितना आ गया, -10 वोल्ट। तुम्हें समझ भी आ रहा है कुछ? 100%। अच्छा देख, एक और देख, कितना आएगा, लग गया सबको? Yes, क्या लिखा तुमने, 10 - x = यहां से x कितना आ गया, -4। भाई हमेशा इतना सा ध्यान रखिएगा करके, जो हायर वाली पोटेंशियल साइड है उसमें से लोअर को घटाओ, हायर पोटेंशियल साइड में से लोअर को घटाओ, तो आंसर क्या आने चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें नजर आ रहा है। क्या मेरी बातें क्लियर थी, इतनी सी आते समझ पाए थे? अच्छा फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े थे, मैंने करंट वरेंट बहा दिया था, याद है? करंट मैंने बहा दिया था तो तुम लोग जमीन पे लौट गए थे, ये भी याद होगा, करंट बहाते ही तुम लोग लौटने लगे थे, सांप बन गए थे। चलो देखो, मान ले रजिस्टर और ये लगी हुई है एक बैटरी, यहां पर मान ले के 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, ये 5 ओम है, ये 20 वोल्ट है, ठीक है, और यहां पर लेट अस से के यहां पे 10 वोल्ट है, 10 नहीं बोलते, चलो 4 वोल्ट बोल लेता। यहां पर तेरे को पोटेंशियल बताना है, यहां पर क्या बताना था, पोटेंशियल। क्या तुम लोग लिख पाओगे? देख थोड़े अपन लोग अच्छे लेवल की बात कर रहे हैं, सुनना मेरी बात, हमेशा क्या करना है, बहुत सीधा सीधा तरीका, करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, करंट फ्लो की डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन में मूव कर लो। क्या मेरे को करंट इधर से इधर जाता हुआ दिख रहा है? चलो करंट फ्लो की डायरेक्शन में ही मूव कर गए। अब करंट हमेशा बहता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो बोल रेजिस्टर के ऊपर हायर पोटेंशियल क्या यहां पर रहा होगा और यहां क्या रहा होगा, लोअर पोटेंशियल, बोल रहा होगा कि नहीं? अच्छा बैटरी में हमेशा कैसे चेक करना था, डंडे को देखकर। किसको देख के? डंडे को देख के। क्या मुझे कभी करंट को देख के बैटरी चेक करनी है? नहीं करनी। तो मैंने यहां लगाया माइनस और यहां लगाया प्लस, एनी प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया, यहां पर तो ये 4 वोल्ट दे ही रखा था, बोल सही है कि नहीं? अब मैंने इसको लिखना चालू किया, मुझे मान ले लिखना था x की वैल्यू निकालनी थी, क्या निकालनी थी, x की वैल्यू। बोल क्या, ये माइनस ये क्या चीज, ये माइनस ये शुड बी इक्वल टू यहां पर जो पोटेंशियल लिखा हुआ है वो, अरे है कि नहीं? Yes, सोच पा रहे? Yes, या मैं ऐसा बोल दूं कि यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल मैं मेंटेन कराऊंगा वो इसके बराबर होगा, जो ड्रॉप आएगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। नहीं समझ पा रहे? ध्यान से सुनना, लिखने का तरीका देख भाई, यहां पर जो किया है वही तो यहां कर रहा हूं, कोई नई बात है क्या? नहीं। चलना चालू करते हैं, देखना इसे लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस बात पे बहुत ध्यान दें। जब भी मैं रजिस्टर में मूव करूंगा और देखूंगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो हम लोग हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेगेटिव पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ये घट रहे हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब क्या, घटना होता है कि बढ़ना होता है? घटना। क्या होता है? घटना। तो यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब मैं क्या हुआ, घट गया, मतलब मैं क्या हो गया, घट गया। तो कैसे लिखना चालू करेंगे, x माइनस, बोलना जरा इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप,
टू इंटू फाइव यानी कि 10 वोल्ट. अरे बोल सही है क्या? 2 इंटू फाइव यानी 10. अरे वी इक्वल्स टू आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर. तो इसके अक्रॉस क्या आ गया? 10. मैंने बोला x माइनस, माइनस क्यों लगाया क्या तुम्हें समझ आ गया? माइनस क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव. x माइनस 10. अब बैटरी को देख, बढ़ रहा हूं कि घट रहा हूं? नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव? नेगेटिव से पॉजिटिव. बोल प्लस या माइनस? प्लस 20 इज इक्वल टू 4. हमेशा लिखने का एक ही तरीका, हमेशा लिखने का एक ही तरीका, या तो क्या लिख लो, ये माइनस ये बराबर ये, समझ रहे हैं मेरी बात? या फिर क्या लिख लो, ये माइनस ये और बराबर ये. अबे एक ही बात है, नहीं सोच पा रहा? ये इधर चला जाएगा तो माइनस ही तो होगा, और ये इधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा. नहीं समझ पा रहे क्या? इट इज वन एंड द सेम थिंग. मुझे तो ड्रॉप लिखने से मतलब था. क्या लिखने से मतलब था? ड्रॉप. उसको लिखने का सीधा सा तरीका, फ्लो की डायरेक्शन में गया, फ्लो की डायरेक्शन में देखा, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, प्लस माइनस मार्क कर दिया, माइनस प्लस मार्क कर दिया. बैटरी में क्या देखा? डंडे का साइज. क्या देखा? डंडे का साइज. डंडे का साइज छोटा वहां पे नेगेटिव, डंडे का साइज बड़ा वहां पे पॉजिटिव. रजिस्टर के ऊपर हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव. कैसे पहचाना मैंने? करंट के फ्लो से. कैसे पहचाना? करंट के फ्लो से. और डिफरेंस को इक्वेट कर दिया. बोल क्या यही करना था? सॉल्व कर ले, देखना कितना आ गया. x प्लस 10 इक्वल्स टू 4, मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 6 वोल्ट. नहीं आया समझ? कुछ आया समझ में? सोच पा रहे हो क्या किया गया? अब देख, ऐसे जनरली जो ऐसे सवाल है ना, ये चीज देख पूछी नहीं जाती. दिस इज जस्ट बिल्डिंग ऑफ कंसेप्ट. अभी अपन कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं. ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो, दिस इज पार्ट ऑफ सम बिगर सर्किट. ये किसी बड़े सर्किट का हिस्सा है. तुम्हें ऐसे ओपन सर्किट थोड़ी ना मिलेगा कि 2 एम्पियर करंट आ रहा है. अभी तो जा कहां रहे? नजर आ रहा है कहीं जाता हुआ? नहीं आ रहा ना. तो ऐसे ओपन सर्किट तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम्हें तो बंद सर्किट मिलेंगे. बैटरी वैटरी लगे हुए, कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड, ठीक है? वो इसके बाद आगे आएंगे. अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. आगे देखना जल्दी से. अब नया सर्किट बना रहा हूं. इस बार मैं यहां पे कोई वोल्टेज नहीं लिखूंगा, उसको ए लिखूंगा, इसको बी लिखूंगा. तुम्हें बोलूंगा वी ए माइनस वी बी निकालो. क्या निकालो? वी ए माइनस वी बी. निकाल पाओगे? चल चेक करते हैं. मैंने बनाया बढ़िया से, ये आ गया, मान लो ये आ गया, ये आ गई, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गई और फिर ये आ गया. चलो बी ए 5 ओम 20 वोल्ट, 2 ओम 4 वोल्ट, और मान ले करंट जो है इधर से आ रहा था 2 एम्पियर. आपका क्वेश्चन वी ए माइनस वी बी बताना है. ध्यान से करना, तेरे को तो वही बताना है, वी ए माइनस वी बी. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फ्लो की डायरेक्शन में चलो, उल्टा भी चल सकते हो. सीरीज वीरीज की छोड़ना, तू तो उस तरह से कर जैसे मैंने बताया. वी इक्वल्स टू आई आर तो लगना ही है बेटा, इसमें क्या हो गया? मैंने तो ये बता दिया कि करंट फ्लो हो रहा है. अरे एक चीज सोच यार, करंट ऐसा थोड़ी है यहां से अगर 2 एम्पियर बह रहा है तो यहां से कम हो जाएगा. करंट तो पूरे सर्किट में सेम ही रहेगा ना. करंट विल नॉट गेट चेंज, प्लीज इस बात का ध्यान रखें. समझ गए ना? करंट यहां पे बदल नहीं रहा. 2 वोल्ट वी ए माइनस वी बी, बहुत बढ़िया. चलो और कोई, ये वाला भी मैं कर रहा हूं. चल देख, मान ले मैं तो इधर से इधर जा रहा हूं. मैं किधर से इधर जा रहा हूं? इधर से इधर, ठीक है. ए माइनस बी निकालना था तो मैंने मूव कहां से कहां किया बेटा? यहां से यहां पर. बहुत ध्यान से देखना सब लोग, लिखने का तरीका दोबारा. पहले करंट फ्लो की डायरेक्शन से क्या सारी चीजें मार्क कर ले? मार्किंग कर ली. बोल करंट ऐसे बह रहा है, ये तो पॉजिटिव ये नेगेटिव. क्या डंडे के साइज से? रजिस्टर पे बोल प्लस माइनस, बता सही है क्या? अच्छा माइनस प्लस, प्लस माइनस, कोई दिक्कत? ये मार्किंग सबको समझ में आई या नहीं आई पहले ये बता दो. भाई करंट कहां से फ्लो कर रहा है इस बार? पीछे से. पीछे से फ्लो कर रहा है तो जब इस रजिस्टर पे आया होगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो क्या प्लस माइनस इस बार उल्टा हो जाएगा? अच्छा बैटरी को तो किससे देखना था? डंडे से. तो हमने बैटरी को तो डंडे से देखा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या लगा सकता हूं? फिर वापस ये रजिस्टर आया, करंट अभी भी क्या ऐसे ही बह रहा था? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं. चल अब क्या यहां से इधर चलना था क्योंकि वी ए माइनस वी बी निकालना था? लिखना चालू कर. क्या लिखूंगा? वी ए माइनस या प्लस? प्लस. अरे देख माइनस से प्लस जा रहा हूं मैं, मूव कैसे कर रहा हूं? इधर
करंट कैसे बह रहा था? इधर बोल, माइनस से प्लस मतलब बढ़ रहा हूं कि घट रहा हूं? बढ़ रहा हूं, माइनस से प्लस मतलब बढ़ रहा हूं। तो क्या लिखूंगा बोल? प्लस 5 × 2। बोल क्या ऐसे लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा बैटरी आ गई, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, अरे प्लस से माइनस, अरे मूव किधर कर रहा हूं? क्या इधर कर रहा हूं? करंट के डायरेक्शन को सिर्फ मार्किंग करने के लिए चेक करो, सिर्फ किस लिए चेक करो? मार्किंग करने के लिए। आगे तुम्हारी जहां से इच्छा हो वहां से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज डरे नहीं इस चीज को देख के। तुम चाहे तो वीबी माइनस वीए भी निकाल सकते थे, बाद में माइनस साइन लगा देते, मल्टीप्लाई कर देते, पर मैं तेरे को सीधा सिंपल तरीका सिखा रहा हूं। वीए तो ऐसा क्या ऐसा आ गया, यहां पे प्लस क्यों आया? नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी मैं बढ़ रहा हूं। क्या हो रहा हूं? बढ़ रहा हूं। तो 5 × 2 क्योंकि 2 एम्पियर का करंट था। आगे देख, ये बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? -20 + 20 -20। बोल सही है क्या? आगे बोल, +4 - 4 सबको दिख गया? आगे आ गया +2 × 2। ध्यान से इसीलिए ऐसे लिख रहा हूं कि तुम्हें याद रहे IR किया गया है। क्या किया गया है? IR। बोल आगे बोल, +4 - 4। बहुत बढ़िया। क्या +4 शुड बी इक्वल टू? क्या मेरी बात समझ पाए? समझ नहीं आया? सारे लोटे पड़े हैं, नहीं आया समझ? आ गया होगा यार, क्या बहुत भारी चीज? चलो भाई लिख लो, VA +10 - 20 + 4 + 4 = VB। देखना जरा कितना आ गया, -10 + 8 -2 इधर गया तो 2। आंसर क्या आ गया? अरे VA, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 2 volts। VA माइनस VB कितना आ गया? 2 volts। करंट क्यों देख के ऐसे डरना मत कि करंट उल्टा बह रहा है, सीधा बह रहा है, ठीक है ना? ये सारे छाप लेना, ये भी सारे छाप लो। चलो लाइन से मैं और सवाल दे रहा हूं, सारे नोट डाउन कर लो और डायग्राम बना के खुद से लिखना। डायग्राम सब बना लो पर लिखना खुद से। लिख लिया क्या सबने? सब अगर ये सब लिख लिया तो एक स्टार बना के कुछ लाइंस लिख लो, एक स्टार बनाओ और लिखो, स्टार बना के लिखो। करंट फ्लो की डायरेक्शन के हिसाब से, या ऐसे लिख ले, अकॉर्डिंग टू करंट फ्लोज डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू करंट फ्लो डायरेक्शन, ब्रैकेट में लिखना HP to LP। समझ गए क्या बोल रहा हूं? क्या? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अकॉर्डिंग टू करंट फ्लो डायरेक्शन ब्रैकेट में HP to LP। मार्क द रेजिस्टर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। मार्क द रेजिस्टर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। द बिगर लाइन इन अ बैटरी इज एट HP। द बिगर लाइन इन अ बैटरी इज एट HP व्हाइल द शॉर्टर वन इज एट LP। बड़ी लाइन जो होती है वो हायर पोटेंशियल पे, छोटी लाइन लोअर पोटेंशियल पे। द बिगर लाइन इन अ बैटरी इज एट HP व्हाइल द शॉर्टर वन इज एट LP, फुल स्टॉप। तीसरा सितारा, और इसमें लिखो, इफ व्हाइल ट्रेवलिंग इन द सर्किट पोटेंशियल ड्रॉप्स देन टेक इट टू बी नेगेटिव। इफ व्हाइल ट्रेवलिंग इन अ सर्किट
द पोटेंशियल ड्रॉप्स देन टेक इट टू बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा ये यानी इसका उल्टा भी ट्रू है। तीसरे पॉइंट में आपको ये कहा गया है कि जब आप सर्किट में ट्रेवल कर रहे हो तब अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ड्रॉप का मतलब क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। कैसे जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्या इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख लो, नेगेटिव। यही तो बोला है मैंने, पॉजिटिव से नेगेटिव गया था, क्या मैंने नेगेटिव साइन लगाया था, यही वाली बात। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा अगर नहीं हो मतलब वाइस वर्सा क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तब क्या करना है, प्लस लेना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर मार्किंग किसके हिसाब से करनी है, करंट की डायरेक्शन। हम कैसे भी चले हमें दिक्कत नहीं है, पर मार्किंग हमेशा कैसे होगी, करंट की डायरेक्शन से। इसको ब्रैकेट में छोटा सा ऐसे लिख सकते हो कि घटे तो नेगेटिव, बढ़े तो पॉजिटिव, लिख सकते हो ना, लिख लो ब्रैकेट में, घटे तो नेगेटिव बढ़े तो पॉजिटिव। यही होता है फंडा भी साले जिंदगी का, है ना, घटे तो नेगेटिव बढ़े तो पॉजिटिव। चलो आओ और देखो, और बना रहा हूं मैं, अच्छे से आंसर देना रहा है। ये हो गई अपनी सारी की सारी बैटरी और ये हो गया रजिस्टर, ये मान ले 2 ओम, ये मान ले 4 ओम, ये हो गया मान ले 6 ओम, ये हो गई 2 वोल्ट की, ये हो गई 4 वोल्ट की और ये हो गई 1 वोल्ट की और करंट बह रहा था इधर से 2 एम्पियर ए एंड और ये बी एंड। क्वेश्चन इज सेम, फाइंड वी ए माइनस वी बी। कोई गलत मत करना नहीं तो दोबारा ऐसे ही सवाल चलते रहेंगे जीवन में। क्या बोल रहा है, वी ए माइनस वी बी आ गया, कौन सी बैटरी, हाँ 1 वोल्ट 4 वोल्ट 2 वोल्ट 1 4 2 2 4 6 और 2 एम्पियर करंट। दिल दर्द का टुकड़ा है पत्थर। चलो करंट फ्लो की डायरेक्शन से पॉजिटिव नेगेटिव मार्क करो, बोल, बोलता था जल्दी जल्दी, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां बोल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बोलो सही है, तुमने भी ऐसे ही किया था। सबने पहले करंट फ्लो की डायरेक्शन से मार्किंग कर ली और उसके बाद में क्या लिख ली, वी ए माइनस वी बी, यही तो लिखा होगा। चलो ट्रेवल करते हैं, वी ए, वी ए ऐसा क्या ऐसा ले लू, बोल घट रहा है क्या बढ़ रहा है बैटरी में, बढ़ रहा है मतलब प्लस वन या माइनस वन, प्लस वन, बोल घट रहा है क्या बढ़ रहा है, प्लस, कितना, क्या 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट, अरे बोल सही है क्या, आगे बोल घट रहा है क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है क्या घट रहा है, अरे बढ़ रहा है भैया, नहीं नजर आ रहा क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब बढ़ गया, बोल यहां पर कितना, 4 × 2 = 8, बढ़ रहा है क्या घट रहा है, मतलब कि 4 × 2, अरे कोई दिक्कत है क्या, बोल बढ़ रहा है क्या घट रहा है, -2 या +2, बोल बढ़ रहा है क्या घट रहा है, बढ़ रहा है मतलब 6 × 2, बोलो ठीक है, इज इक्वल टू क्या बच्चों, वीबी, अरे सही है क्या, आगे बता दे अब जल्दी से आंसर, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1 और 4 = 5, 5 और 4 = 9, 9 - 2 = 7, 7 और 8 = 15, 15 और 12 तो -27 आ रहा है, -25 नहीं आ रहा, आंसर क्या आ रहा है, -27 वोल्ट। तुम्हें समझ भी आ रहा है क्या कुछ, पक्की बात, हाँ। तो इस तरह से हम लोग बड़े आराम से इस तरह के सर्किट कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हमें दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ पे थोड़ा सा सर्किट जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। देखने जरा, सर्किट आया अपने पास में बढ़िया एकदम, ये अपन ने सर्किट बना लिया, लाइने वाइने खींच दी एकदम जबरदस्त, और उसके बाद में ये साला यूं डिवाइड हो गया, इस तरह से एक बैटरी और एक रजिस्टर और आ गया जीवन में, और यहाँ पर ये एक बैटरी और एक रजिस्टर कुछ इस तरह से जीवन में आ गया, ये वाला एंड था मान लो सी, ये वाला एंड था मान लो बी, और ये वाला एंड था मान लो ए, ये मान ले 2 ओम और 10 वोल्ट, और ये मान ले 4 ओम और
इधर मान ले ये 4 वोल्ट, इधर मान ले 1 ओम, इधर मान ले 1 ओम, इधर मान ले 5 वोल्ट, ठीक है। अब सुन, करंट बह रहा था यहां से 5 एम्पियर, कितना बह रहा था 5 एम्पियर। अच्छा बोल, यहां डिवाइड होगा, अपन को डिवीजन पहले से गिवन है। अभी यहां पे यहां गया 2 एम्पियर, यहां गया 3 एम्पियर, VA माइनस VB, VA माइनस VC दोनों, हाँ 18 और, अरे बहुत आसान है ये, कर पाए क्या 18 28, और कोई? हाँ VB माइनस VB माइनस VC कहां निकाल दिया, VA माइनस VB और VA माइनस VC बोल रहा था, तूने उल्टा उल्टा कर दिया होगा साले, कुछ अभी देखते हैं क्या हुआ, चेंज कर रहे हो क्या आंसर, वही है मैं कराऊं क्या, -28 -8 गलत है, 18 और 28 सही है। अच्छा कितने लोग 18 28, बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार, आंसर नहीं निकला, चलाओ चलाओ कलम चलाओ, सर्किट को ऐसे सॉल्व होना चाहिए साला, देखते ही व्हीटस्टोन इंटीजर में नेगेटिव होने लगी ना तो कोई किसी के नंबर ही नहीं आएंगे दुनिया में, नेगेटिव ही आएंगे फिर मार्क्स सबके। चलो सॉल्व करते हैं, हाँ बोल, करंट के हिसाब से क्या कर लूं, प्लस माइनस बताना जरा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत, मार्किंग हो गई सारी। अच्छा मार्किंग के बाद तो काम अपना अलग हो ही गया, बोल यहाँ से यहाँ ट्रेवल करूँ बी की तरफ, चालू करते हैं, बोल VA माइनस या प्लस, माइनस क्या 10, 2 5 10, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा प्लस की माइनस, प्लस 10, बोल यहाँ पे -20 + 20, -20 कैसे आया, 4 5 20, -20 क्यों, क्योंकि घटे, क्या हुआ ये घटे, अच्छा घटने याद इधर की उधर, ऊपर ऊपर बढ़ जाऊं, ऊपर बोल कितने एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर। अच्छा अब यहाँ जो गलती करते हैं अपन, यहाँ भी 5 लेके 5 × 1 कर देते हैं, क्या वो गलत है, क्या 2 × 1 होगा, माइनस के प्लस, -2 × 1, क्या मेरी बात समझ गए, और प्लस इज इक्वल टू VB, तुम्हें समझ में नहीं आया, कितने लोगों से नहीं हुआ था ये स्टेप, जल्दी से देख लो इतनी देर क्यों लगी उन्हें लिखने में, एक बार चेक कर लो कहां गलती कर रहे थे, साइन में गलती, लिख लिया था, लिख पाया था, चलो अगला स्टेप बोलो, VA क्या ये दोनों खत्म, ये कितने -20 -2 -22 और 4 18, -18 तो उधर गया तो +18, क्या सबको दिख गया 18 वोल्ट, यार ये तो सीधा सीधा आ गया भाई, एनी प्रॉब्लम। अब क्या VA - VC, VA - VC बोल जल्दी से, क्या यहाँ तक के स्टेप तो सेम है, ऐसे कैसे लिख दिए, VA - 10 + 10 - 20, यहाँ तक के सेम, इसके बाद यहाँ चेंज होंगे, प्लस माइनस यानी घट रहा हूँ, माइनस की प्लस, -5 बोल ठीक है क्या, अब क्या -3 × 1, एनी प्रॉब्लम इज इक्वल टू VC, बोल जरा VA - VC कितना आ गया, ये तो खत्म, -20 -5 -25 -25 -3 -28 वोल्ट, हाँ इधर चला जाएगा तो प्लस, बहुत बढ़िया, क्या सबको दिख गया सही आंसर, कितने लोगों का था चेक कर लो, काफी लोगों का, क्यों नहीं कर पाए, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं जीवन में यार, और इससे आसान क्या चीज लाऊं, लो चलो इससे आसान वाला करके दिखाओ, देखता हूँ
दो ओम 10 वोल्ट करो भाई जल्दी से, सोच समझ के करना है, दिमाग लगेगा, वही वी ए माइनस वी बी। क्वेश्चन इज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वॉट, ये टू नहीं लिखा भाई साहब, क्वेश्चन मार्क है, करो जल्दी से, थोड़ा सोचना पड़ता है ये। अरे यार इधर 2 एम्पियर है, नीचे 7 जा रहे हैं, तो ऊपर से कितना आ रहा होगा यार, 5 आ रहा होगा ना, क्या बड़ी बात हो गई, नहीं कर पाए क्या, चल बोल, इधर से 2 जा रहे हैं, तो क्या ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा प्लस और ये माइनस, एनी प्रॉब्लम, चलो इधर से चल लो, यहाँ तो माइनस प्लस वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस कोई दिक्कत ही नहीं है, चला दो अब अपना सिस्टम, वी ए माइनस वी बी, ए से चालू हो जाओ, चलो वी ए माइनस के प्लस, माइनस के प्लस, माइनस क्यों, प्लस से माइनस यानी घटे के बड़े, अबे घटे के बड़े, घटे तो क्या 4, अच्छा बोल घटे के बड़े, माइनस 5 बोल सही है क्या, अच्छा घटे के बड़े, घटे के बड़े यानी क्या माइनस 2, अब क्या ऊपर निकल जाऊं और क्या, अबे जाऊंगा तो ऐसे ही ना, ट्रेवल तो ऐसे कर रहा हूं, तो ऊपर से नीचे थोड़ी आएंगे, ट्रेवल तो ऐसे ही करूंगा ना, तो फिर ए से किस तरफ जाने, बी की तरफ, तो ट्रेवलिंग की डायरेक्शन तो सेम रखोगे, ऐसा थोड़ी यहां से यहां अलग, यहां से यहां अलग ट्रेवल कर दिया, ऐसे नहीं, ट्रेवलिंग एक जैसी ही होगी। तुम लोग जो कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो कि तुमने कोई पॉइंट ओ मान लिया, ऐसे कर रहे थे क्या, और फिर यहां से यहां तक का लिख दिया, यहां से यहां तक का लिख दिया, 2 इक्वेशन लेके घटा दिया, ऐसे किया है क्या, हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही आता है, उसमें डरना नहीं है, तो अपन तो सीधे ही चल दो ना यार, जब पता है कि साले घटाने हैं तो, चलो यहां से लेके यहां तक तो पहुंच गए, अब ऊपर चल दे, माइनस से प्लस, बड़े के घटे, बड़े के घटे, बड़े 2 × 5 या 2 × 2, 2 × 5 बोल, प्लस 2 × 5 कोई दिक्कत, अच्छा बोल ऊपर बड़े के घटे, घटे यानी कि कितना, -10 इज इक्वल टू वी बी, सोल्व कर ले, -4 -5 इज -9, -9 -2 इज -11, -11 +10 और -10, अरे तो निमट ही गए, तो आंसर क्या आ गया, वी ए माइनस वी बी बराबर 11, ये आएगा भाई साहब, कितने लोगों का आ गया था, सही आया यार, वेरी गुड, पर अभी भी सबका नहीं आया, इस बात का दुख है, कोई बात नहीं, वैसे और कितने क्वेश्चन कराऊंगा यार, एक ही तो फंडा लगा रहे हैं, है ना, क्या हो गया, हाँ लेवल हाई करें बस, अब धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी तो मैं सर्किट तोड़ के दे रहा हूँ, सर्किट बनाया नहीं है बेटा, है ना यार, तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा क्या, अरे 35 वाले अंकल सही है, 35 मतलब तू गलत कर रहा था ना, ये मानना ज्यादा जरूरी है ना, और -3 वाले भाई साहब कौन थे, क्या चमत्कार किया बे, -3 तो कहीं दूर दूर तक ही नहीं था यार, अच्छा चलो एडिंग डाल लो, बैटरी बैटरी लिखते ही है ना, मेरे को अपने बचपन की बात याद आ जाती है मुझे बोलते थे, मतलब मेरा जो घर का नाम है ना वो निप्पू है, निप्पू मतलब जैसे बीच में कर देते हैं ना, निपुन का नाम मेरा निप्पू कर रखा था घर वालों ने, तो स्कूल के दोस्तों को पता लग गया, घर आते थे तो मम्मी चिल्लाती थी निप्पू, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना, देख होता क्या, बैटरी के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि बैटरी जो है वो बढ़िया एकदम डीसी पावर का सोर्स होती है, किसका सोर्स होती है, डीसी पावर का, ये माइनस और ये प्लस, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, अच्छा इसके अंदर अगर मैं ये ऐसे बना रहा हूँ तो करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या ये मानते हैं, मानते हैं कि नहीं, 100% सर्किट में घूम के आता है करंट, तो क्या यहां से अंदर घुसता है, मतलब अपन जो सर्किट बनाते हैं, क्या सर्किट कुछ इस प्रकार के होते हैं, ऐसे 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 ये रजिस्टर बनाया, या ऐसे बनाया, या ऐसे, या ऐसे ऐसे और ये ऐसे, बोल ऐसे ही तो बनाते हैं, इसको क्या नाम देते थे, वी, क्या नाम देते थे, वी, यहाँ क्या लिखते थे अपन, आर, याद है कि नहीं, और यहां से अपन लोग करंट बहाते थे आई, लिखते थे, और इस आई की वैल्यू क्या लिखते थे, वी बाय आर, कुछ याद आ रहा है, ये तुम बचपन में पढ़ चुके हो, है ना, तो देख
बैटरी ने करंट कैसे बहाया? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, बोल बहाया कि नहीं? ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। अब याद कर, मैंने तेरे को एक कहानी सुनाई थी कि जब ये चार्ज अंदर घूम रहा होता है तो ये चार्ज एनर्जी लूज करता है, बताया था ना? यहाँ कितनी एनर्जी थी? ईवी, याद आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी बताई थी ना बेटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? क्यू इंटू वी, क्यू इंटू, क्यू की वैल्यू क्या? ई है। क्यू की वैल्यू क्या है? ई। तो हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया था? ईवी। कुछ याद है बेटा? हाँ। तो ये जो ईवी एनर्जी यहां से लेके चलता था और ये एनर्जी को लेके यहां पे जाता था, और जब तक यहां पहुंचता था तब तक क्या जीरो हो जाती थी? याद कर, यहां पर क्या पोटेंशियल जीरो लिखता था मैं? जीरो का मतलब ईवी की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब क्या? एनर्जी भी जीरो हो गई, मतलब कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ। इस बारे में पहले चर्चा की थी, याद है ना तेरे को? अच्छा, हुआ क्या था? अपना चार्ज घूमा, घूमते घूमते क्या हुआ? फिर वो भिखारी बना था ना, भूल गए क्या? अपना चार्ज घूमा था, घूम घूम के फिर उसने भीख मांगी थी। भीख किसने दी? बैटरी ने। पर जब घूमा था तब क्या एकदम सीना चौड़ा करके घूमा था? कितनी एनर्जी ले गया था? ईवी। ईवी एनर्जी के साथ में घूमा सीना चौड़ा करके, और लौट के आया तब उसके पास में कुछ भी नहीं था, तब उसके पास में कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली बैटरी चाहती है कि आउटर सर्किट में जो करंट घूमे वो कैसे घूमे? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, बोल घूमे के नहीं? मैं दोनों डंडे बना रहा हूं बैटरी के, देख यहां पर एक डंडा और दो डंडा। ये मान ले एचपी है और ये मान ले क्या है? एलपी। बोल सही है ना? ऐसे कनेक्टेड होती है अपने सर्किट में, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा बता, चार्ज घूम के कहां से आता है? एलपी से एचपी नहीं, घूम के कहां से आता है? आप क्या लोअर से हायर जाना चाहते हैं? सोच के देख, अपन ने करंट तो घुमा दिया, करंट कहां से कहां गया? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। पर जब वो बैटरी के पास आया तो क्या बैटरी के अंदर कोई चीज ऐसी हो रही थी जो कि आउटर सर्किट के ऑपोजिट थी? अरे जब ये चार्ज यहां पहुंचेगा तो क्या वो लोअर से हायर ट्रेवल करेगा? नहीं समझ आ रहा? आ रहा है ना? तो जरा सोच, इस बैटरी की अगर मैं फील्ड मार्क करने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। क्या इस बारे में चर्चा कर चुके हैं? बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? क्या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी की वजह से जनरेट हुई है कि नहीं? अब बैटरी के अंदर क्या हो रहा है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है, मतलब कि बैटरी के अंदर कोई बैठा हुआ है, बैटरी के अंदर कोई बैठा हुआ है जो अपने इस चार्ज को खींच रहा है। अरे सोच तो सही, अपना जो यहाँ पे चार्ज था उसके ऊपर तो फोर्स यहाँ लगेगा ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अरे नहीं लग रहा क्या यार, तेरे को समझ नहीं आ रहा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपना जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है? क्या इधर लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? अब इस फोर्स के ऑपोजिशन में क्या एक फोर्स और होनी चाहिए? अबे तभी तो चार्ज लोअर से हायर आ पाएगा। तो ये क्या करता है? खींचता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? रस्सी डालता है चार्ज के गले में और चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। तो एक फोर्स एक्स्ट्रा है जो फोर्स बैटरी अलग से लगा रही है। अबे समझ रहे कि नहीं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड है किस कारण? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के कारण। नहीं समझ रहे? और एक फोर्स अलग है, ये फोर्स किसके कारण आई? बैटरी के अंदर जो केमिकल्स थे उनके कारण। ठीक है, बैटरी के अंदर जो केमिकल्स थे उनके कारण। तो इस वाली फोर्स का कारण जो है, इट इज इन रियलिटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन, यानी कि केमिकल्स। इस फोर्स का कारण कौन होते हैं? केमिकल्स होते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? है ना? वही इस फोर्स का कारण खुद बैटरी का हायर और लोअर पोटेंशियल एंड होता है। क्या कुछ समझ में आया? ये किस कारण आया बेटा? ड्यू टू केमिकल्स। ये कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, तुमने सुना है ना? सल्फेट सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं, SO4-2-। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई क्या तुम्हारी? अच्छा नहीं हुई, जब होगी तब पता लग जाएगा। उसमें तुम्हें नॉन पोलर, बाईपोलर, पोलर सॉल्वेंट्स वगैरह के बारे में बताते हैं क्या? नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा ना? मतलब हाँ, तो अब पढ़ा देंगे, कोई चिंता मत करना। ठीक है, तो ये तो किसके कारण है? FB ड्यू टू केमिकल्स। ये किसके कारण थी? ये किसके कारण हो गए? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बोल, आई के नहीं बात समझ? तो अंदर क्या एक आदमी बैठा था?
और अंदर वाला आदमी इसको अपने पास खींच रहा था कि भैया मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, भिखारी तू है तो मैं तेरे को भीख जरूर दूंगा ही दूंगा। तो ये अच्छा आदमी था। कैसा आदमी था? अच्छा आदमी, जो भिखारी को भीख लिए बिना, भिखारी को भीख दिए बिना नहीं जाने देगा। ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं जो भिखारियों से भी साले पैसे चुरा लेते हैं। देखे तुमने कौन? अरे यार तुम पिक्चर में पहुंच गए, असली में देखा है ना। आजकल तो भिखारी भी कम दिखते हैं। दिखते हैं क्या तुम्हें? कोटा में ज्यादा है। तुम उसको बोल देना कि बैटरी के पास चला जा, मेरा नाम मत लेना। ठीक है, बैटरी का मतलब है ये वाली बैटरी है ना। तो अपन वो जो अपन ए बैटरी सुना है तुमने, ए बैटरी, डबल ए बैटरी, इनके आउटपुट्स होते हैं ना 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, वो मोटे मोटे सेल आते थे पहले जो टॉर्च में डलते थे, तुमने वो सब चीजें देखी है? नहीं, ये तो वही है, ये तो नॉर्मल बैटरी है, ये तो पेंसिल सेल को कंबाइन कर दिया ऐसा समझ ले। पर वो मोटे सेल आते थे बड़े बड़े साइज के, ये बड़े बड़े लाल रंग के, हाँ बड़ी टॉर्च में जो डलते थे, हाँ निप्पो बैटरीज। ठीक है, तो उन्हीं वाली बैटरीज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये बैटरी के अंदर कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिसके कारण हमारा जो चार्ज है वो अंदर आ जाता है और उसको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, अब होता क्या है और रियलिटी के अंदर और घुसता है सुनना। जैसे मान ले कि अपने पास जो चार्ज है उसको यहां से लेके यहां तक लाने में लेट अस से के कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, क्या वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा? तो जैसे मान ले कि मेरे को 20 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ी। कितनी एनर्जी? 20 जूल। भाई बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज, का तो सोर्स नहीं है, तो बैटरी ने कितनी एनर्जी खर्च की यहां से यहां तक लाने में? 20 जूल। पर जब ये यहां से बाहर आया तो 15 के ही साथ आया। कितने के साथ आया? 15 के साथ। 5 कहां चली गई? लॉस हो गई। 5 कहां चली गई? या ऐसा सोच लो कि जो एक्स्ट्रा फोर्सेस थी उनको ओवर करने में लग गई। समझ पा रहे हो भाई? जो एक्स्ट्रा फोर्सेस थी उनको भी तो ओवरकम करना पड़ेगा। तो बैटरी तो कितने जूल एनर्जी दे रही थी उसे? 20 जूल। लेकर कितनी आया चार्ज बाहर? 15 जूल। बची कितनी? 5। बची कितनी अपने आज? 5। ये जो 5 होता है, इस 5 को हम लोग बोलते हैं लॉस। इस 5 को क्या बोलेंगे? लॉस। और ये जो लॉस है, इस लॉस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो बैटरी के ऊपर अपने को मार्किंग्स दिखती हैं। क्या दिखती हैं? मार्किंग्स दिखती हैं। ऐसे लिखा होता है 20 वोल्ट इतने एम्पियर, ये जो सब दिखता है तुम लोगों को, ये सारी मार्किंग्स जो हैं, ये कई बार तो पोटेंशियल डिफरेंस की होती हैं और कई बार एक नई क्वांटिटी की होती है जिसका नाम होता है ईएमएफ। क्या नाम होता है? ईएमएफ। तो बेसिकली ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या टर्म लिया मैंने अभी काम में? ईएमएफ, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे ई से। किससे करेंगे? ई से। मतलब ये अलग तरह का ई है, थोड़ा एप्साइलम टाइप का। ठीक है, एप्साइलम नॉट पढ़ते थे ना तुम, 1/4 pi एप्साइलम नॉट। ये सिर्फ एप्साइलम है, इसमें नॉट लगाया क्या? नहीं, ये सिर्फ एप्साइलम। क्या है ये? एप्साइलम। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि सोच, बैटरी कितनी एनर्जी दे सकती थी? 20। चार्ज कितनी लेके बाहर आया? 15। चार्ज कितनी लेके बाहर आया? 15। और लॉस में कितनी गई? 5। इनपुट कितना था अपनी तरफ से? 20 था। आउटपुट कितना मिला? 15 मिला। और लॉस कितना हुआ? 5 का। बोल हुआ कि नहीं? क्या तेरे को कुछ बातें समझ में आ रही हैं? अब मजे की बात, ये जो इनपुट होता है ना, यही हमारा ईएमएफ होता है। ये जो इनपुट है यही क्या होता है? ईएमएफ। जो अपने को आउटपुट मिलता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जो अपने को आउटपुट मिलता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी ये जो अपन ने बैटरी एट्री बना रखी है ना, इसके अंदर अपन ईएमएफ ऑलरेडी अकाउंट में ले चुके हैं। अगर मैं यहां ये 5 लिख रहा हूं तो ये 5 वोल्ट लिख रहा हूं, यानी दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली गिवन टू यू। ये ईएमएफ अभी नहीं लिखा गया, प्लीज ध्यान दें इस बात का। दिस इज नॉट ईएमएफ, दिस इज डायरेक्टली व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं, मतलब मैं ईएमएफ का पहले ही ध्यान रख चुका हूं।
ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मैंने पहले ही ईएमएफ का ध्यान अपने कंसेप्ट के अंदर रख लिया है और इसीलिए आपको ईएमएफ की जगह क्या दे दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसीलिए क्या होता है, जो सर्किट होता है उसके अंदर अपन लोग बैटरी के साथ में एक छोटा सा ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। जो अपना सर्किट हमें मिलेगा उस सर्किट में जो बैटरी मिलती है उसके साथ लिखा होता है ई, क्या लिखा होता है ई, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस आर जिसका नाम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या नाम होता है इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हमें लॉसेस दर्शाता है। क्या दर्शाएगा, लॉसेस। ई क्या दर्शाएगी, टोटल एनर्जी जो हमें मिल सकती थी, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या चीज, ईएमएफ ऑफ द सेल। आर क्या दर्शाता है, लॉसेस। आर क्या दर्शाएगा, और आउटपुट क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी। समझ नहीं आया, आउटपुट क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी। बोल क्या करंट ऐसे बह के आ रहा था, अरे सोचना चालू कर, क्या करंट ऐसे बह के आ रहा था। अब ये जो अपना करंट ऐसे बह के आ रहा था, यहां पर था जीरो पोटेंशियल, यहां पर क्या आ गया, वी पोटेंशियल। क्या वी और ई बराबर है, वी और ई अब बराबर नहीं है। बोल क्या लिखूंगा, इक्वेशन लिखनी आती है ना तेरे को, जल्दी बोल इक्वेशन, इसमें क्या लिखूंगा, ऐसे ऐसे चलूं, वी बोल माइनस प्लस, किधर किधर, प्लस और माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या लिखूं, प्लस आई आर माइनस ई बराबर जीरो, मतलब क्या आ गया, ई बराबर कितना आया, वी प्लस आई आर, ठीक है। और यहां से अगर मैं वी निकालना चाहूं तो वी कितनी आ जाएगी, ई माइनस आई आर। अरे बोलो रे, कोई दिक्कत है क्या? तो अपन जो पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं वो रियलिटी में क्या है, ई माइनस आई आर। क्या लिख रहे हैं, ई माइनस आई आर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो अच्छी किताबें होती हैं, जो ढंग की किताबें होती हैं, उनके अंदर बैटरी का ईएमएफ लिखा होता है और इंटरनल, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये बना हुआ होता है। कुछ कुछ समझ पा रहे हो, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बना रखा होता है और ईएमएफ दे रखा होता है, और जो मतलब ठीक ठाक सी बुक्स हैं उन सब के अंदर तुम्हें सीधे बैटरी बनी हुई मिलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ की जरूरत ही नहीं है। अरे बेकार में क्यों मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट करूं, क्या फालतू में कॉम्प्लिकेट करना चाहता हूं, नहीं। पर सवाल का लेवल वहां डिसाइड हो जाता है जहां ईएमएफ दे रखा है, और ईएमएफ के साथ में क्या दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो, ठीक है। ऐसे ही है ना, ईएमएफ को डिफाइन किया गया, ये जो अपन ने सारी चीजें समझ ली बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ईएमएफ को डिफाइन किया गया, जिसमें हम लोग ईएमएफ को बुक्स में जो डेफिनेशन पढ़ते हैं उसकी बात करते हैं। बुक्स की डेफिनेशन क्या थी ईएमएफ की, सुने, द वर्क डन, क्या चीज, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द वर्क डन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या बहुत आसान सी चीज, भाई यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, यूनिट चार्ज। क्या मतलब, ये वोल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, यू बराबर क्यू इंटू वी। अच्छा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यू बाय क्यू, बोल होगा कि नहीं। क्या सारा का सारा वर्क डन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड है, और क्या मैं पर यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूं, सोच नहीं पा रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बोल कर रहा हूं कि नहीं। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वन, बोल है कि नहीं। तो क्या यू और क्यू दोनों चीज, यू और वी, क्या दोनों चीजें सेम हो गई यहां पर, समझ नहीं आया। अरे सबको आया ना, पक्का बोल भाई, जैसे पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। अब मैं पर सेकंड की बात करूं तो जो वर्क होगा क्या वही पावर हो जाएगी, नहीं समझ पा। ये ऐसे ही क्या है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये क्या चीज है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या कुछ कुछ बातें समझ में आई, 100% या कुछ कुछ आया, कुछ कुछ समझ में आया ना, कि बैटरी के अंदर कोई अंकल बैठे होते हैं जो क्या करते हैं, इस चार्ज को अपनी तरफ खींचते हैं। बैटरी चाहती है वो बाहर कैसे बहाए चीजों को, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पर बैटरी के अंदर करंट कैसे बह रहा होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, इसी कारण दिक्कतें जो है वो पैदा होती हैं। क्या कुछ बातें समझ में आई। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि यहां से 5 आ रहे हैं वहां से 10 निकल जाए, बैटरी के अंदर करंट तो सेम ही रहेगा, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट
चार्ज, क्या ये मैं जानता हूँ? इसीलिए मैंने वो जितने भी सर्किट बनाए थे उन सर्किट्स में चाहे बीच में बैटरी आ गई या रेजिस्टर आ गया, क्या मैंने कहीं भी करंट बदला? किसी ने पूछा भी था सर करंट नहीं बदलेगा क्या, तब भी मैंने तुम्हें यही कहा था कि बैटरी से चार्ज मिलता है या एनर्जी मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां से घुस तो साला पांच रहा है, बाहर कितना करंट आ गया। अगर पांच कूलम चार्ज घुसेगा तो बाहर भी कितना आएगा? पांच कूलम भी आएगा और कुछ एनर्जी लेके आएगा, जिससे कि वापस क्या बन जाए वो? अबे भिखारी बन जाए और फिर घूम के आए। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? 100% ये सारी चीजें लिखो, फिर मैं कुछ चीजें लिखाता हूँ। हाँ बोल। है बेटा जीरो कैसे कहते हैं भाई? अपन को क्या है? अपने को मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस है। किससे मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस। फिर तू चाहे जीरो बोल या और कोई क्वांटिटी बोल, क्या अपने को कोई फर्क पड़ेगा? जैसे अपन ने ये वाले क्वेश्चन किए थे, तुम्हें शायद इधर देख एक बार, छोटा छोटी सी चीज है, एक बार इधर देख लो सब लोग। ये वाले जब मैंने तेरे को करवाए थे कि ये अपन ने बैटरी बना दी, ये कर दिया, यहां पर मान ले मैंने लिख दिया 2 वोल्ट, यहां पर मैंने लिख दिया 10 वोल्ट, तो यहां पे जीरो थोड़ी लिखूंगा। जीरो लिखा था क्या? नहीं लिखा ना। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर कुछ एक्स माना और फिर मैंने क्या बोला, बड़ा माइनस छोटा, एक्स माइनस 2 = 10। अब देखना एक्स कितना आ गया? 12। तो यहां पर क्या लिखूंगा? 12 वोल्ट। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं? अरे मैं तो डिफरेंस मेंटेन कर रहा हूं। क्या मेंटेन कर रहा हूं? अब मैं इसे और कैसे लिख सकता था? सुन, 10 वोल्ट तो लोअर साइड पे जीरो मान ले, 10 - 0 = अबे 10 10 - 0 = 10। तो व्हाट आई एम मेंटेनिंग इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए क्या जीरो ले लेने में कोई बुराई नहीं है? समझ पा रहे हो ना? जहां भी लोअर दिखे साले को जीरो मार्क कर लो। नहीं समझ आ रहा? फायदा है। क्या चीज है इससे? कोई भी चीज जीरो होती है तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है ना यार। मल्टीप्लाई जीरो से करना है, जोड़ना जीरो से है, माइनस जीरो से करना है, क्या तीनों चीजें आसान होती हैं? अब डिवाइड जीरो से करना पड़े तो भाई साहब दिक्कत। समझ गए ना? ये फंडा होता है। चलो यहां तक की चीजें लिख लो, फिर मैं तुम्हें चीजें और जो बता रहा हूं वो नोट करना। क्या बोल रहे हैं? रियलिटी में नहीं होता ऐसा, नहीं तो लॉसेस कैसे होंगे भाई? जैसे अपना ड्राई सेल है, कौन सा सेल है? ड्राई सेल, जो अपन बैटरी काम में लेते हैं। अब धीरे धीरे खत्म होती है ना। क्यों होती है? अगर जितना इनपुट उतना ही आउटपुट मिल जाए तो अपने को एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी मिल गया जो साला कभी खत्म ही नहीं होगा। सोच पा रहे है? क्या ऐसा सोर्स मौजूद है अपनी दुनिया में? ऐसा हो गया उस दिन चमत्कार हो जाएगा। है होगा, नहीं खोज ही रहे हैं, बनी गए ऐसे सोर्सेज, ऐसी बात नहीं है। ऑल्दो वो रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस, आजू बाजू की टक्कर, केमिकल है। अब मान ले पहले तो मैंने 4 मोल कोई सब्सटेंस डाला था, अब 4 मोल का वो 3.25 मोल रह गया, तो कम एनर्जी बनाएगा। ठीक है, अंदर जो सब्सटेंसेज है ना बैटरी के, वो सब्सटेंसेज की भी तो खपत होने लगती है। जैसे मैं बोलूं कि SO4 - आयन इसके अंदर भरे थे जो अपन ने बैटरी बनाई थी, तो वो आयन ही तो बेचारे करंट पैदा करते हैं, धीरे धीरे खत्म भी तो होते हैं, है ना? कितने जनरेट करोगे? वो बात लिखो, ऐसे लिखना, इन अ बैटरी करंट फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, LP to HP। इन अ बैटरी करंट फ्लोज फ्रॉम LP to HP वाइल इन द एक्सटर्नल सर्किट, it flows from HP to LP. Full stop. Next line में लिखना, अगली line में। Thus we say that
देयर इज समवन इनसाइड द बैटरी हु इज पुलिंग द चार्ज. डज वी से दैट देयर इज समवन इनसाइड द बैटरी हु इज पुलिंग द चार्ज. From LP to HP, ठीक है. कोई अंकल अंदर बैठे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, चार्ज के ऊपर सड़ा रस्सी डाल के उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फुल स्टॉप. ठीक. और अगली लाइन से एक चीज लिखना चालू कर जो मैंने तेरे को अभी अभी समझाई. क्या चीज समझाई थी? लिखो इसको इस तरह से. लेट्स अज्यूम दैट. नेक्स्ट लाइन से लिखना. लेट्स अज्यूम दैट 20 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड. लेट्स अज्यूम दैट 20 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग द 1 कूलम चार्ज फ्रॉम एलपी टू एचपी. Let's assume that 20 joule energy is required for bringing the 1 coulomb charge from LP to HP. Full stop. But output obtained was 15 joule. And 5 joule were internal losses. And 5 joule were internal losses. ठीक है. फुल स्टॉप. दिस आउटपुट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस विच वी राइट. And the input is, this output is actually the potential difference which we write, and the input is the EMF of the cell. EMF का full form लिख लूं उसके बाद में. Electromotive force of the cell. ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखो. एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में लिखना. EMF की डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन ऑफ EMF किताबी ज्ञान है ना. क्या बोला था मैंने? हाँ, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. The work done in moving a unit positive charge from lower potential LP from LP to HP by the battery. Work done कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है ना. The work done in moving a unit positive charge from LP to HP by the battery is known as बेटा ड्यू टू केमिकल्स लिखने की जरूरत है. वो तो इम्प्लाइड है. वर्क डन बाय क्या बोल रहा था यार. द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एलपी टू एचपी बाय द बैटरी इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल या ईएमएफ ऑफ द बैटरी. ठीक है. सेल या बैटरी जो भी बोलो बात एक ही है. ठीक है. अरे कुछ आया क्या समझ में? इसके बाद में ये लिख ले. ये लिख चुके क्या पहले ही? बस ऐसे लिख ले इनपुट 20 जूल ईएमएफ, जिससे तेरे को इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े. बाहर देख के ही तेरे को समझ में आ जाए. इनपुट जो है वो ईएमएफ है, आउटपुट जो है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. और ये लॉस किससे दिखाई जाते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस. ऐसे लिख लेना IR. 15 जूल PD, 20 जूल EMF है ना. हाँ, अब इसके बाद में ये बना लो.
इसके बाद में ये बना लो बच्चों, ये कंसेप्ट तो समझ आया था, ये बना लो। छोटा आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, भाई घरों में एसी सप्लाई क्यों दी गई, सीधा सा सवाल क्यों दी गई? अबे घर में अगर डीसी सप्लाई देते और तेरे कभी करंट लगता ना तो छूटता नहीं, परमानेंट चिपक जाता वहीं पे। हैं? फॉल्ट रिमूवल की दिक्कत नहीं आती। चलो इधर देखो। अच्छा अगर मैं सर्किट कंप्लीट करूं, एक देख, ये अपना सर्किट, ये अपना रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ये अपने पास में बैटरी थी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस था छोटा आर। अरे यहां देख लो, अब हो गई बात। छोटा आर इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ ई, आउटर रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो एक चीज बता, यहां आउटपुट क्या मिलता है? वी। यहाँ आउटपुट क्या मिलता है? V की वैल्यू क्या है? E माइनस आई आर। बोल सही है क्या? अच्छा तो यहाँ भी क्या होगा? E माइनस आई आर। अरे बोल कोई दिक्कत? अच्छा लोअर पोटेंशियल तो जीरो, यहाँ भी कितना? जीरो। बोल करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या ये होगी? अच्छा करंट की वैल्यू I, करंट की वैल्यू। तो एक चीज बता, करंट कैसे लिखूंगा? आई वॉन्ट टू राइट द कम्प्लीट करंट, तो करंट I की वैल्यू कैसे निकालू? सोच लो। अरे पूरा घुमा देना करंट को, करंट घुमा के लिख दे। ये माइनस ये बराबर क्या? इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अरे भैया ये माइनस ये बराबर क्या? इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या? आई आर है, आई इंटू बड़ा आर के छोटा आर, बड़ा आर। इसके अक्रॉस कैसा पोटेंशियल डिफरेंस है? कैपिटल आर। बोल है कि नहीं? पक्का? क्या करंट फ्लो ऐसे हो रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव? क्या लिखूंगा मैं? चलो तुम लिखो, सर्किट बनाओ, आई की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू बताओ सब लोग। वी की वैल्यू पता है तुम्हें कितनी है? ई माइनस आई आर। बहुत बढ़िया, E अपॉन R प्लस आर इज द राइट आंसर। करंट की वैल्यू आएगी E अपॉन R प्लस आर। क्या लिखा तूने जल्दी बता मेरे को? E माइनस आई आर। क्या माइनस जीरो? अरे भाई इसने जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखा है, क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा? यार होगा कि नहीं? इसके अक्रॉस कितना था? आई इंटू कैपिटल आर। बोल था कि नहीं? तुझे समझ ही नहीं आ रहा? आ रहा है ना यार? तो बोल क्या जीरो है ये? यहां से आई कितना आ गया? ई अपॉन आर प्लस छोटा आर। क्या तुम्हें कुछ बातें समझ में आई? आई की वैल्यू क्या आ गई? ई अपॉन आर प्लस आर। क्या सीधे सीधे जो भी मुझे रेजिस्टेंस दे रखा होगा उसके अंदर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ के आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ? अगर मुझे बैटरी का ईएमएफ दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ईएमएफ। अब देखना वी की वैल्यू कितनी आ जाती है, आई की वैल्यू पुट कर दे वहां पे। तो हमने क्या बोला? वी इक्वल्स टू क्या था बेटा? ई माइनस आई आर। आई की वैल्यू पुट करो, ई माइनस आई, आई की वैल्यू क्या है? ई अपॉन आर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय क्या छोटा आर। देखना कुछ कट रहा है क्या? हाँ, अबे ई इंटू आर और ई इंटू आर, एक माइनस ई आर है ना, तो कट गया ना, नहीं दिखा? अबे देख छोटा ई आर कट गया, तो आपने आज क्या बचा? ई आर अपॉन आर प्लस आर, ये किसकी वैल्यू आती है? पोटेंशियल डिफरेंस की असली वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाली है तुमने? ये पोटेंशियल डिफरेंस। समझ नहीं आया? ये कैसे लिखा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसके अक्रॉस ही तो मेंटेन्ड है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? ई माइनस आई आर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? वी इक्वल्स टू आई आर।
आई करंट बह रहा है और रेजिस्टेंस कितना है आर, इसके अक्रॉस ये, ठीक है। हाँ, इस वाली वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया तो हमारे पास V की रियल वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ER अपॉन R प्लस R, ठीक है। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछूं, हैं? बात मैं वो नहीं निकलवा रहा, मैं तेरे से एक बात पूछ रहा हूं, मैं जो तेरे से बात पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि क्या V की वैल्यू एक्सटर्नल सर्किट पे डिपेंड करती है, करती है ना, नजर नहीं आ रहा कैसे करती है, अरे आर की वैल्यू, आर की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है ना, बस करेगी और क्या, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वी डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सर्किट, किस पर डिपेंड करता है ये, क्या एक्सटर्नल सर्किट कैसा है, समझ पा रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस देख के बोल दिया, ठीक भी है, कुछ बात समझ आ रही है, पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, यही मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे ये बस फंडे हैं भैया, तुम्हें अप्लाई करने आने चाहिए, ठीक है। इतनी बातें तो क्लियर है ना तुम्हें। अच्छा देख एक चीज बता, मैं अगर तुमको बोलूं, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है, देख मैं अगर तुझे बोलूं कि देख क्या हो गया, मेरे से पूछ लेना, हाँ अरे आर तो एक्सटर्नली है ना ये वाला, तो जो भी आर की वैल्यू होगी क्या उस पर वी की वैल्यू डिपेंड करेगी, बात खत्म, यही बोला गया, ठीक है। हाँ अपने को, अपन ने वो बैटरी वैटरी बनाई थी ना, लगा लगा के सर्किट लगाया था, रेजिस्टेंस लगाया था, बैटरी लगाई थी, उसमें अगर मान ले मैं तेरे को एक सर्किट तो दूंगी और एक बार सेम सर्किट जो है उसके अंदर बैटरी पहले लगा दूं और रेजिस्टर बाद में लगा दूं, इसको मैंने बोला वी ए वी बी वी ए वी बी और जो वैल्यूज है मान ले 2 ओम, 5 एम्पियर करंट जा रहा था, 20 वोल्ट, 2 ओम, 20 वोल्ट करंट, अभी इन कितना जा रहा था, 5 एम्पियर। तो बताइए इनकी पोजीशंस इंटरचेंज करने पर क्या वी ए माइनस वी बी चेंज हो रहा है, सॉल्व करके देख लेना जल्दी से, नहीं हो रहा क्या, प्लीज चेक। चलो इसके अंदर करते हैं, इसमें क्या लिखूंगा मैं, वी ए माइनस या प्लस, क्या प्लस माइनस यानी माइनस 10 बोल, माइनस प्लस यानी कि प्लस 20 बराबर वी बी, कितना आ रहा है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट, कोई दिक्कत तो नहीं, अरे पक्का माइनस 10 आएगा ना, ठीक है। इसमें देख लिखना चालू कर, वी ए क्या प्लस 20, ये माइनस प्लस प्लस माइनस, बोलो कोई दिक्कत, अच्छा हमने लगा प्लस 20 बोल, माइनस इज इक्वल टू मतलब वी ए माइनस वी बी बराबर कितना आ गया, माइनस 10 वोल्ट, बोल आया कि नहीं, मतलब कि ये बैटरी के इधर लगाओ रेजिस्टेंस या इधर लगाओ क्या मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला है, ये सवाल कई लोग पूछ लेते हैं कि सर ये तो नया सर्किट है, अबे नया सर्किट नहीं है, इट इज द सेम सर्किट, इट इज द सेम सर्किट, मैं चाहे रजिस्टर कहीं भी लगाऊं क्या मेरे जीवन में कोई बदलाव आएगा, बैटरी के इधर लगा ले चाहे बैटरी के इधर लगा ले, ठीक है। और इससे हम लोग सर्किट को रिड्यूस भी कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं सर्किट को, कैसे कर पाते हैं, इस बात को समझने की कोशिश कर। जैसे अभी तक अपन लोग खेल रहे थे सर्किट के अंदर, क्या खेल रहे थे कि भाई जैसे ये अपने को सर्किट दिया, कोई ये मान ले आ गया अपना वी ए, ये कितना आ गया अपना कोई वी बी, ये मान ले 10 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 5 वोल्ट, 2 ओम, 2 वोल्ट, ठीक है। और तुम लोगों को बोला कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी ए माइनस वी बी की वैल्यू निकालनी थी हमेशा की तरह, तो देख जरा भाई बैटरीज के अंदर क्या मैं एक छोटी सी चीज जानता हूँ, मान ले के यहां से 2 एम्पियर करंट बह रहा था, बैटरीज के अंदर मैं एक छोटी सी चीज क्या जानता हूँ, अगर वो सेम डायरेक्शन में लगी है तो क्या एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होंगी, अगर ऑपोजिट लगी है तो वो अपोज कर रही होंगी। अरे एक चीज बताइए, ये बैटरी कहां से आती है, करंट कहां, भाई क्या यहां
ये वाली क्या चाहती है यहाँ, पर ये वाली क्या चाहती है यहाँ, बोल चाहती है कि नहीं। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन एन एक्सटर्नल सर्किट, इन एन एक्सटर्नल सर्किट। क्या बेटा एक्सटर्नल सर्किट में इधर बहाना चाहती है, ये इधर बहाना चाहती है और ये इधर बहाना चाहती है, बोल है कि नहीं। अब बता, 10 वाली इधर 5 वाली इधर, क्या ऐसा बोल दूं कि 15 इधर, कोई दिक्कत? 15 इधर बोल दूं और 2 किधर, इधर, कौन जीता? क्या 15 जीत गया, 2 हार गया, तो बचे कितने? 13। अच्छा बता, क्या ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं? अबे सेम करंट तो क्या होता था, सीरीज। अरे तीनों में सेम करंट तो क्या होता था, ये तो दसवीं का इतना सा याद होगा, मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, पर क्या इतनी सी चीज याद है? तो हम लोग इसको और कैसे बना सकते हैं, देख इसका इक्विवेलेंट बना ले सीधे, बोल क्या बना दूं? एक बोल, बैटरी का डायरेक्शन किधर, उधर के इधर, उधर बहने वाला मतलब इधर छोटा डंडा बड़ा डंडा, छोटा और बड़ा, इधर बोल रेजिस्टर, बता सही है क्या? अच्छा बता कितने वोल्ट की बैटरी, क्या 13 वोल्ट, और ये कितने का, 2, 3, 4, 5। क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? पक्की बात है, यानी क्या बैटरीज कैन सपोर्ट एंड दे कैन ओपोज एज वेल? क्या मैं सर्किट को उस हिसाब से रिड्यूस कर सकता हूँ? मेरे को डर तो नहीं लग रहा किसी भी हाल में, इन एनी केस मेरे को डरना नहीं है, कितना भी बड़ा सर्किट मिल जाए मेरे जो है हाथ पांव एकदम ठंडे रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे अपन बड़े बड़े सर्किट सॉल्व कर लेंगे, मैं तेरे को बता रहा हूँ, बस भरोसा रख के पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर पढ़े नहीं और क्लास गोल मारी तो कभी कुछ समझ नहीं आएगा। ये भी बता दो, करंट के अंदर एक क्लास छूटा और सुरक्षा चक्र टूटा, ठीक है? पोलियो की दवाई और करंट दोनों सेम है, सबने पी रखी है ना पोलियो की दवाई, पक्का? हाँ।